नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 2020 में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर लेकर आया हूं। जीके टेस्ट पेपर आपके लिए सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का संग्रह है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन टॉप क्वालिटी के हैं, सिलेक्ट करके बनाए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये एक झलक है, मैं अब इनको आपको फटाफट रीड करके बताऊंगा। कम समय में हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और एक लाइक मेरी मेहनत के लिए ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का मून इम्पैक्ट प्रोब ने चंद्रमा पर कदम कब रखा था? तो 14 नवंबर 2018 को भारत के मून इम्पैक्ट प्रोब मिशन ने चंद्रमा पर कदम रखा था। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये मिशंस जो थे पहले और अभी जो चल रहे हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी में जोड़े गए प्रतिरोध का मान बढ़ाने से वोल्ट मीटर की सीमा क्या होती है? तो प्रतिरोध का मान अगर बढ़ता है तो वोल्ट मीटर में सीमा भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो CO और N2 का मिश्रण है। राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस गैस का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांकू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बांकू जो है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। देश और राजधानियां इम्पैक्ट क्वेश्चंस करता है, तो आप इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। वह सदन कौन सी है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है? किसमें श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है। पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? तो पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, व्यक्तित्व के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम क्या है? तो H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वेग और द्रव्यमान का गुणनफल क्या कहलाता है? तो वेग और द्रव्यमान का गुणनफल संवेग कहलाता है। साइंस सिटी कहां पर स्थित है? तो साइंस सिटी कोलकाता में स्थित है। निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो ICICI निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक है। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में, कौन सी भाषा को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि है। मंदिर निर्माण कला का जन्म कौन से काल में हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। मोहिनीअट्टम नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य है। विद्युत मरकरी लैंप में पारा क्यों भरा जाता है? तो विद्युत मरकरी लैंप में पारा कम दाब पर भरा जाता है और ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, ज़्यादा समय तक लैंप की लाइफ बढ़ा देता है, इसीलिए पारा और आर्गन की वाष्प भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी मार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम किसने दिया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने शेरशाह सूरी मार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचम पाद नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो पंचम पाद नदी घाटी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए। भारत में पहला डाक टिकट 1852 में कहां से जारी किया गया था? तो भारत में पहला डाक टिकट 1852 में कराची से जारी किया गया था। तीर्थंकर शब्द कौन से धर्म से संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो कन्नौज हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी।
मालगुड़ी डेज शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर के नारायण इस पुस्तक के लेखक हैं। बुक और कैपिटल एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको रट जरूर लीजिएगा। अहोम्स का मुगलों के विरुद्ध लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन सा था? तो भराली युद्ध अहोम्स का मुगलों के विरुद्ध लड़ा गया पहला युद्ध था। अस्त होते समय सूर्य किस कारण से लाल दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य हमें लाल कलर का दिखाई देता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल अपने कार्यों को लेकर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। रैयतबाड़ी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतबाड़ी प्रथा शुरू की गई थी। राजस्थान जहां पर इंदिरा नहर है कौन सी नदी से निकलती है? तो राजस्थान की इंदिरा नहर सतलज नदी से निकलती है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रक होते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो श्रमिक संघों के नियंत्रण में रहते हैं। सरसों के बीज को सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में हरित क्रांति का एक और क्या नाम है? तो भारत में हरित क्रांति को कृषि क्रांति के नाम से भी जानते हैं। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अमुक्त माल्यद नामक पुस्तक कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है, जो कि बहुत से एग्जाम में पूछी जा चुकी है। होम रूल लीग की स्थापना किस समय की गई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो मुंबई में सबसे पहले रेल यात्रा प्रारंभ हुई थी। कहां से कहां के बीच में हुई थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और कितने किलोमीटर की वो पहली रेल यात्रा थी वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सूखा बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस भी कहते हैं। प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? तो प्रकाश तरंग एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? तो सूर्य पृथ्वी के नज़दीक स्थित सबसे बड़ा तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, कारण क्या है? तो कच्चे माल से उसका अधिक उत्पादन होता है डीजल का, इसीलिए सभी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल लोहे में जंग लगाता है, उसके भार पर क्या प्रभाव? जल यहाँ पर जब हो जाएगा। जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जंग लगने के बाद लोहे का भार जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उसमें किसका प्रयोग करते हैं? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा गया है कई एग्जामों में। आंतरिक संक्रमणों तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 28 है। जो भी तत्व किसी प्रतिक्रिया में भाग लेकर प्रतिक्रिया में चेंज करते हैं, संक्रमित करते हैं, उनको आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी संक्रमण तत्व की कहलाते हैं, संक्रमण तत्व की कैटेगरी में आते हैं। काष्ठी आरोही लताओं को क्या कहते हैं? तो उन्हें कंठ लता कहते हैं। जिन लताओं में, जिन बेलों टाइप के पेड़ों में भी लकड़ियाँ पाई जाती हैं, उन पेड़ों को कंठ लता वाले पेड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंदें गोल होती हैं। दादीग्राम अभ्यारण्य, दचीग्राम अभ्यारण्य जो है कहाँ पर है? तो दचीग्राम अभ्यारण्य जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। खानवा का युद्ध 1527 में किस किस के बीच में हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत किया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। झुकी मीनार कहाँ पर है? तो इटली में झुकी मीनार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अननोन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो नीरज सी चौधरी एन अननोन इंडिया के लेखक हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता कहाँ की क्रांति का नारा था? तो ये फ्रांस की क्रांति का नारा था। वेलिंगटन कप किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है वेलिंगटन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो मानव के कुल रक्त आयतन में 60% प्लाज्मा होती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यक्ष्मा जिसे आप तपेदिक कहते हैं बीमारी पैदा करने वाले कारक क्या हैं? तो यक्ष्मा या तपेदिक जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा होता है। मूत्र कहाँ बनता है? तो संग्राहक वाहिनियों में मूत्र बनता है। कंप्यूटर की मुख्य स्मृति को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की मुख्य स्मृति को रैम कहते हैं। भारत में हीरे की खदानें कहाँ पाई जाती हैं? तो भारत में मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे की खदानें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, मांग का एक सामान्य नियम, मांगी गई मात्रा बढ़ती है कीमतें घटने के बाद, कीमतें घटने के बाद में मांगी गई मात्रा बढ़ती है, ये मांग का एक सामान्य नियम है, अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जाता है। दोस्तों, मैं इन 200 क्वेश्चन में आपके लिए हर सब्जेक्ट को प्रोवाइड करा रहा हूं, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने ग्रुप्स पर वीडियो की लिंक शेयर करिएगा। इसमें साइंस भी है, ज्योग्राफी भी है, आपका सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते जाइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या है? तो पृथकता का खतरा संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है, कि कब उसमें अलगाव हो जाएगा ये कह नहीं सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैस है जो गर्मी को बढ़ाती है, इन शॉर्ट। काला ज्वर का संचरण कैसे होता है? तो सिकता मक्खी के काटने से काला ज्वर का संचरण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बादल वायुमंडल में किस कारण से तैरते हैं? तो बादल वायुमंडल में अपने अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं। नेक्स्ट है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकों और विदेशियों दोनों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो विधिक अधिकार प्राप्त है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह नादिर शाह के समय आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। कौन सा नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहते हैं अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की संरचना कैसी होती है? तो लैटराइट मृदा जो ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला का दूसरा नाम क्या है? तो सह्याद्री पर्वतमाला बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वतमाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था? तो ट्रिगवेली जे थे जो कि नॉर्वे से रिलेट करते थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल कौन से हैं? तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग जो है पर्थ और कालगुर लाइस के बीच में ट्रेवल करता है। अगला क्वेश्चन, समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हो गया था। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष अपेक्षित न्यूनतम आयु भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? तो INS चक्र जो है भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी थी। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो B.S. रमा देवी, जो कि 1993 में राज्यसभा में प्रथम महिला सचिव के रूप में बनी थी, इसका आंसर हो जाएगा। देश में प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि सोवियत संघ रूस में 1947 में राजदूत बनी, देश की प्रथम महिला राजदूत थी। केंद्रीय व्यवस्थापिका का प्रथम महिला सांसद किसे बनाया गया था? तो केंद्रीय व्यवस्थापिका में प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन, जो कि 1938 में थी, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो नियुक्ति हो, प्रथम हो या कोई रिकॉर्ड हो, तो महिलाओं से रिलेटेड ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो इनको ज़रूर याद कर लेना। और कुछ आप थोड़ा सा भले बाद में याद करो, लेकिन इनको पहले याद करना।
देश की प्रथम महिला न्यायिक अधिकारी मुंसिफ किसे बनाया गया? तो अन्ना चांडी जी देश की प्रथम महिला न्यायिक अधिकारी थी। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन थी? तो वायलेट अल्वा, जो कि 1962 में राज्यसभा में प्रथम महिला उपसभापति के रूप में नियुक्त हुई थी। देश के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? तो जानकी रामचंद्रन, जो कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी थी 1987 में, तमिल इंडस्ट्रीज़ की अभिनेत्री थी और ये मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया था? तो यह SP गुप्ता समिति के द्वारा तैयार किया गया था, इंडिया विजन 2020। हर समितियां कुछ ना कुछ रिपोर्ट तैयार करती हैं, उन्हीं में से कुछ रिपोर्टें जो हैं ज़्यादा फेमस होती हैं, वह एग्ज़ाम में बनती हैं। इंडिया विजन 2020 एक सपना था भारत को विकसित करने का, तो ये समिति एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। 2020 अभी चल ही रहा है तो एग्ज़ाम में आ सकता है। देश के किसी शहर की प्रथम महिला मेयर कौन है? तो तारा चेरियन, जो कि मद्रास में 1957 में मेयर बनी थी, देश के शहर की प्रथम महिला मेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी आप तो जानते ही होंगे, इनके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित, 1953 इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत की प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या था? INS कावेरी भारत की प्रथम पनडुब्बी थी। अजात शत्रु किस धर्म को मानता था? तो अजात शत्रु जो है जैन धर्म को मानता था। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? तो INS विक्रांत भारत का प्रथम विमान वाहक पोत है। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल? तो अग्नि भारत की प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल है। दोस्तों सेना से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हमारी सेना हमारी शान है और उसकी शान में कितनी चीज़ें सेवारत हैं, तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनको याद करके रखना। मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र, पानी के जो भी युद्धपोत होते हैं, उन सबको नाम सहित याद करके रखना आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा था? तो पृथ्वी भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2012 से 2017 के बीच में भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह गेरून नदी के तट पर स्थित है। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बात हो रही है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? तो धारा 14 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो जेम्स ई सॉल्क ने पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन बनाई थी। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को हाइबरनेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, IUCN द्वारा संकटाग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 6 वर्गों में विभाजित हैं, जो भी जीव संकट आपन्न होते हैं, संकटग्रस्त होते हैं, उनको 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जंग से बचने के लिए लोहे के पानी के पाइपों पर जस्ती की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वनाइजेशन या जस्तीकरण कहा जाता है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ? तो 1948 में कम से कम कितनी मजदूरी आवश्यक मिलनी ही चाहिए, ये अधिनियम 1948 में पहली बार स्वीकृत हुआ। फसल बहुत ज़्यादा जमा होने पर उसके भंडारण को क्या कहा जाता है? तो सुरक्षित भंडारण, जिसे आप वेयर हाउस भी कहते हैं, उनमें आप फसल बहुत जमा होने पर उसको रख सकते हैं। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता किस पर आधारित है, किस पर रेटिंग की जाती है? तो एगमार्क से कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को रेटिंग दी जाती है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो पेड़ लगाने की क्रिया से संबंधित है वन महोत्सव। कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है?
तो विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है शांत घाटी। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्र के सतह पर आने वाले भूकंप से सुनामी उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो औषधि अनुसंधान और विष अनुसंधान दोनों ही लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से लिया गया था? तो आयरलैंड से ये नियम लिया गया था। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इंग्लैंड की देन है संसद की अवधारणा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है। सूफी परंपरा में पीर किसे कहते हैं? तो सूफियों के गुरु को सूफी परंपरा में पीर कहा जाता है। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। युआन किस देश की मुद्रा है? तो युआन जो है चीन की मुद्रा है। चीन अभी कोरोना वायरस से ग्रसित है काफ़ी ज़्यादा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हजारीबाग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हजारीबाग अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किया गया था। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो किसी श्रमशील गतिविधि के द्वारा राष्ट्रीय आय निर्मित होती है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। उड़ान अभिलेखों का तकनीकी नाम क्या है? तो काला बॉक्स, ब्लैक बॉक्स उड़ान अभिलेखों का तकनीकी नाम है। भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में भारत का जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। वर्तमान में कौन है CM? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो बताइए। पाक स्ट्रेट कौन से देश से जुड़े हुए हैं? पाक स्ट्रेट से कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो भारत और श्रीलंका जो है पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं, भारत और श्रीलंका। कौन सी धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक मानी जाती है? तो चांदी। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व तो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हीलियम इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा पश्चिम बंगाल को कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। पहले कहते थे छत्तीसगढ़ को, फिर कहना जाने लगा पश्चिम बंगाल को। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। किसी कोशिका में अचल संपत्ति किसे माना जाता है? तो कोशिका के अंदर उपस्थित न्यूक्लिक अम्ल जो है कोशिका की अचल संपत्ति माना जाता है। भूमि का जल मूल रोम जो रहते हैं उस तक किस दबाव के कारण पहुंचता है जिससे वो एब्जॉर्ब करते हैं जमीन के जल को? तो केशिका दबाव के कारण मूल रोम तक भूमि का जल पहुंचता है। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के रक्त के स्कंदन के लिए सहायक है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन लगभग, यहाँ पर ऑप्शन में 100 से 120 दिन, तो मैक्सिमम 120 दिन होता है, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात है। किस नदी पर है? मैंने लाइव क्लास में आपको पढ़ाया है, बताइए ज़रा जोग जलप्रपात किस नदी पर है। पंजाब केसरी के रूप में किसे जाना जाता था? तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता था। लोक अदालतों के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जिला न्यायाधीश लोक अदालतों के अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। कैलामाइन अयस्क किसका स्रोत है? तो जस्ते का स्रोत है कैलामाइन अयस्क। गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं।
भारी जल का क्वथनांक अर्थात D2O का क्वथनांक कितना होता है, कितने डिग्री पर उबलेगा D2O, तो 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड भारी जल का क्वथनांक होता है। तत्व का सबसे छोटा कण कौन सा होता है, तो परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है। मंगल ग्रह को और किस नाम से जानते हैं, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है, तो गांधी सागर जलाशय है चंबल नदी पर। इसके अलावा जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर जलाशय भी चंबल नदी पर स्थित है। ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस से उत्पन्न होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। वायुमंडल में वार्षिक तापन वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो आजकल बढ़ चढ़ के बढ़ रही है। भारत की पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो समुद्री तटों के नाम याद कर लीजिएगा, कोरोमंडल तट पूर्वी तट को कहते हैं। इसी प्रकार जो अन्य तट हैं उनको भी क्या कहते हैं, याद ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको याद नहीं है तो हमारी लाइव क्लास जीके की रोज़ सुबह 6 बजे से अटेंड करिए, मैं उनमें ये सब क्वेश्चंस करा देता हूँ, आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी है, तो 9933 किलोमीटर भारत की पश्चिम से पूर्व तक की दूरी है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं। घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो घड़ी में जो है स्थितिज ऊर्जा रहती है जो कन्वर्ट होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के निर्वाचन के लिए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 होती है। गुप्त शासकों द्वारा जारी की गई चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। भारत में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, तो भारत की संसद कानूनों में बदलाव करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा या घटा सकती है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। थिम्फू कहाँ की राजधानी है, तो भूटान की राजधानी है थिम्फू। प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तकें किसने लिखी है, तो जेके रोलिंग ने प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तकें लिखी हैं। खेतड़ी की खदान जो कि खेतड़ी के नाम से भी जानी जाती है, खेतड़ी के नाम से भी जानी जाती है, राजस्थान में है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी की खदानें। जीरो का आविष्कार किसने किया, आर्यभट्ट ने किया जीरो का आविष्कार। भारतीय संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति के क्षेत्र की घोषणा करने का वैधानिक अधिकार किसके पास है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा करने का वैधानिक अधिकार जो है राष्ट्रपति जी के पास में है। राज्य हड़प नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति की शुरुआत की थी। आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। 1798 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, तो हैदराबाद के निजाम की संधि पहली संधि है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। विंग्स ऑफ फायर इन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो APJ अब्दुल कलाम, इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रसिद्ध नारा करो या मरो का किसने नारा दिया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है धोवन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल कलर का दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कारण रक्त लाल कलर का दिखाई देता है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किसने बनाया था, तो शिवाजी को औरंगजेब का बंदी राजा जयसिंह नामक राजदूत ने बनाया था। सिंधु घाटी का पत्तन शहर कौन सा है, जहां पर पानी के जहाज सिंधु घाटी के आते थे, तो लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन शहर है। जम्मू और कश्मीर भारत में वैधानिक रूप से कब सम्मिलित हुए, तो 1947 में अक्टूबर में जम्मू और कश्मीर भारत में वैधानिक रूप से सम्मिलित हुए। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने हैं, उनका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मानव शरीर के प्लीहा को क्या कहते हैं, तो ब्लड बैंक या रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है मानव शरीर की प्लीहा को। भारत में बृहत्तम सिंचाई क्षेत्र के दायरे में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल आती है, तो चावल जो है सबसे ज़्यादा बृहत्तम सिंचाई क्षेत्र के दायरे में आती है। एक आदर्श धारा मापी का
क्या लघु होता है, एक आदर्श धारा मापी का क्या लघु होता है, तो प्रतिरोध जो है न्यूनतम होता है। समांतर दर्पणों में रखे, समांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के बनी प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो दो समांतर दर्पणों के बीच में अगर कोई वस्तु रखी हो तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा संख्या और द्रव्यमान दोनों ज्ञात होते हैं, तो मोल के द्वारा संख्या और द्रव्यमान दोनों ज्ञात होता है। विटामिन के का संबंध किससे है, तो रक्त का थक्का जमने से संबंधित है विटामिन के। परिक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या बनता है, तो परिक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष बनता है। एक रॉकेट कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर एक रॉकेट काम करता है। यदि ताप बढ़े तो द्रव में विस्फोटक का गुणांक कैसा होगा, तो यदि ताप बढ़ेगा तो द्रव की विस्फोटकी का गुणांक जो है घटता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है, तो 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम जो कि 1989 में बना था, उसके अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट देगा, तो अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दे देगा। ऑपिसोमीटर किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो दूरी को मापने के लिए ऑपिसोमीटर का प्रयोग करते हैं। प्रथम महिला मजिस्ट्रेट कौन थी, तो ओमना कुजम्मा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम महिला मजिस्ट्रेट थी। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 8.3 मिनट, 8.16 सेकंड भी होता है कहीं कहीं ऑप्शन में, 20 सेकंड भी कहीं कहीं ऑप्शन होता है। यहाँ पर अप्रॉक्स आसपास का ऑप्शन जो भी रहेगा आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है, तो मीथेन अर्थात CH4 की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह जो है हरे रंग का दिखाई देता है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, तो देशांतर रेखा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है, तो फिलीपाइन द्वीप समूह जो है यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है, तो भारत विश्व का सबसे अधिक चाय उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश, तो जंजीबार द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है। मगध की राजधानी कहाँ थी और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो मगध की राजधानी राजगृह में थी और इसका निर्माण बिंबिसार के द्वारा कराया गया था। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन देश है, तो मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार कौन सा धर्म अपनाता था, या बिंबिसार ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट टीम कप्तान कौन थी, तो शांति रंगास्वामी जो कि कर्नाटक से रिलेटेड थी, प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, तो दादाजी कोंडदेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है, तो सूफी आंदोलन कहते हैं इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत के किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती सन्नो देवी भारत की राज्य विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, पहली महिला अध्यक्ष थी। प्रथम क्रांतिकारी महिला, तो मैडम भीखाजी कामा, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी महिला कौन थी, तो मैडम भीखाजी कामा क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। देश की प्रथम महिला अधिवक्ता कौन थी, तो रेगिना गुहा देश की प्रथम महिला अधिवक्ता थी। देश की प्रथम महिला बैरिस्टर कौन थी, तो कॉर्नेलिया सोराब जी देश की प्रथम महिला बैरिस्टर थी। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। देश के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है, तो पद्मा जी देश के राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की पहली महिला सचिव कौन थी, तो प्रिया हिमोरानी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम महिला इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद करके रखना ये क्वेश्चन। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, तो शंकराचार्य जी अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं।
बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है बौद्ध धर्म में स्तूप। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वान झील में विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। और ऑप्शन में अगर आपका मृत सागर भी रहे तो मृत सागर भी ऑप्शन सही होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर वान झील नहीं है, मृत सागर है, तो आंसर आपका मृत सागर भी हो सकता है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैंने पढ़ाया है इसीलिए पूछ रहा हूँ। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो नंदलाल बोस ने चित्रकला के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध जगमंदिर झील कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है प्रसिद्ध जगमंदिर झील। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहां पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है भारत भवन प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ग अलग किया गया था, किस वर्ष अलग किया गया था? हालांकि अब तो एक हो गया है, तो 1924 में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। वयस्क विश्व वयस्क दिवस कब मनाते हैं? तो 8 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस मनाया जाता है। भरतनाट्यम शैली का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है भरतनाट्यम शैली। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को बिधानचंद्र रॉय, जो कि पटना से रिलेटेड थे, उनकी स्मृति में चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो राष्ट्रपति जी संसद को भंग करने के लिए सक्षम होते हैं। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ये उनका एक वाक्य था, जो कि कथन था, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध कहाँ बनाया गया है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर है जॉर्डन और इजराइल के मध्य। लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो लोक नृत्य करने वाले को लोक नर्तक बोला जाता है। किसका जनक, तबले का जनक किसे कहा जाता है? तो तबले का जनक अमीर खुसरो है। यहाँ पर आपका मिसप्रिंट हो गया है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में अंतिम गुरु कौन थे? तो महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में अंतिम थे। अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है? तो लगभग 1100 मीटर इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर स्थित है काकरापारा परियोजना। विश्व विख्यात पेंटिंग द लास्ट सफर किसकी कृति है? तो लियोनार्डो द विंची की कृति है विश्व विख्यात पेंटिंग द लास्ट सफर। उड़ीसा नरेश रुद्र प्रताप किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो उड़ीसा नरेश रुद्र प्रताप, प्रताप रुद्र चैतन्य वैष्णव संत जी के शिष्य थे। शैवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो तमिलनाडु में स्थित है शैवराय पहाड़ियाँ। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जयपुर में, जयपुर में हाल ही में जयपुर को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है, सिटी को, जयपुर सिटी को। अगला क्वेश्चन देखिए, पतंजलि का संबंध किससे है? तो योग दर्शन से संबंधित है पतंजलि। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव ने सबसे पहले चावल का प्रयोग किया था। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। होयलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो हेलबेट कर्नाटक में होयलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम क्या है? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूजीलैंड ने तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम प्रतिपादित किया था। प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो मुंबई के समीप प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मानस वन्य जीव अभयारण्य जो है असम राज्य में स्थित है। स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर कौन सी है? तो स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के मध्य गोटा नहर स्थित है। पंचशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो पंचशीर घाटी जो है अफगानिस्तान में स्थित है। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मृत्यु के कितने प्रमुख, भारतीय मृत्यु नहीं भाई, यहाँ पर कृषि है, भारतीय कृषि के कितने, भारतीय कृषि भी ना कहें तो भारतीय मिट्टी के, यहाँ पर मिट्टी होगा, मिट्टी के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो मिट्टी के 4 प्रमुख वर्ग हैं।
आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ? तो 1896 में आधुनिक खेलों में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में हुआ। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। नंदा देवी चोटी किस राज्य में आती है? तो उत्तराखंड में आती है नंदा देवी पर्वत चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो सिकंदराबाद हैदराबाद का जुड़वा नगर है। ब्राह्मी लिपि किस तरह लिखी जाती है? तो बाईं से दाईं ओर ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? तो टिटिकाका झील सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? प्रतिमा पुरी दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका थी। कोणार्क का मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है कोणार्क का मंदिर। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि विश्वविद्यालयों को कोर्स कराने का सर्टिफिकेशन देता है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो जल वाष्प वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? तो अक्टूबर माह में भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्रहट योग एवं तांत्रिक अत्याचारों की प्रधानता है? तो हीनयान में बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है उसकी हीनयान शाखा में मंत्रहट योग एवं तांत्रिक अत्याचारों की प्रधानता है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। गुजरात के सीएम कौन है? आज गुजरात में मोदी जी के साथ में ट्रंप जी दौरे पर हैं। आप गुजरात के सीएम और गुजरात के गवर्नर का नाम बताइए। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में स्थित है 64 योगिनी मंदिर। त्यागराज का संबंध किससे है? तो कर्नाटक संगीत से संबंधित व्यक्तित्व है त्यागराज। राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। लोकायत दर्शन का प्रतिपादक कौन है? तो चावार्क ने लोकायत दर्शन दिया था। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो भूटान इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ओणम जो है केरल का त्यौहार है। दोस्तों, मैंने आपके लिए टॉप 200 बोलकर टॉप 300 क्वेश्चन करा दिए, आपको मैंने 300 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देना। हाल ही में मोदी जी के साथ में ट्रंप भारत के दौरे पर हैं। जैसे मोदी जी गए थे तो मोदी जी के जाने के प्रोग्राम का नाम था हाउडी मोदी, वैसे ही ट्रंप जी के आने का प्रोग्राम का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और किस स्टेडियम में वो प्रोग्राम हुआ है? गुजरात का जो सबसे बड़ा विश्व का स्टेडियम बताया जा रहा है, उस स्टेडियम का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अपनी राय इस वीडियो के बारे में ज़रूर दीजिएगा। इसके और भी पार्ट में आपको प्रोवाइड करूँगा, बशर्ते आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।